शुरू करो पप्पू जी। नमस्कार, प्रणाम सबको। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, वेर एवर यू आर इन द वर्ल्ड। ग्रीन मॉर्निंग, ग्रीन आफ्टरनून एंड ग्रीन इवनिंग। कल भारत के 74वां स्वतंत्रता दिवस था, तो आप सबको अपनी अपनी जगहों पर शुभकामनाएं। जो लोग कल हमारे साथ जुड़े, कल रात को हमने अपने 100 वेबिनार कंप्लीट किए और आज 101 हमारा वेबिनार है और इसे पंजाब में बहुत शुभ माना जाता है। तो आज की सुबह एक नई चीज शुरू कर रहे हैं पूरे विश्व के लिए। संडे यानी कि रविवार 16 अगस्त को मेकिंग एजुकेशन रेलिवेंट, आइए शिक्षा को प्रासंगिक बनाएं, विद्या से अध्यात्म, विद्या की ओर। और हर सप्ताह की तरह, हर रविवार की तरह, आज भी हमारे साथ प्रोफेसर सत्येंद्र धीमान साहब वुडबरी यूनिवर्सिटी बर्बैंक से हमारे साथ हैं। और आज का कार्यक्रम हम शुरू करते हैं, जैसा उन्होंने पिछली बार बताया था कि विद्या से अध्यात्म की अदब को जब हम चलेंगे तो श्रीमद् भगवद गीता के 18 चैप्टर्स के बाद हम 10 प्रिंसिपल उपनिषद को लेके चल रहे हैं। हालांकि उपनिषद बहुत सारे हैं, वो विस्तार से आपको इसके बारे में बताएंगे। हमारे चैम्बर की तरफ से आप सबका स्वागत है। आज की सुबह मेकिंग एजुकेशन रेलिवेंट की हम अपनी सीरीज कर रहे हैं, जो हमने 5 नवंबर को स्टार्ट की थी। हमारा बेसिक उद्देश्य यह है कि जो भारत की शिक्षा प्रणाली है वो पुनः से विश्वगुरु कैसे बने। और इस पूरी सीरीज को पहले हमने सोचा था कि हम 15 अगस्त तक चलाएंगे, लेकिन हमारे को वर्ल्ड ओवर से जो रिक्वेस्ट आई, जो हम लोगों का संपर्क हुआ, जो अलग अलग देशों में लोग हमारे साथ जुड़े, तो अब ये सीरीज लगातार आगे हमारी चल रही है। और जितने कार्यक्रम हम पहले कर रहे थे उन्हीं सभी कार्यक्रम को आगे हम लेकर चलेंगे। हमने ये 5 जून को स्टार्ट किया था, क्योंकि जल ही जीवन है और जल संरक्षण को मद्देनजर रखते हुए इस सारे कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। हर शनिवार सुबह हम बुद्धिज्म की बातचीत करते हैं कि रेलिवेंस क्या है बुद्धा की टीचिंग की हमारे एजुकेशन सिस्टम में। वेनरेबल डॉक्टर धमा पिया जी, जो सेक्रेटरी जनरल है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के, उनके माध्यम से प्रोग्राम हर शनिवार सुबह 9:30 बजे होता है। हर शनिवार शाम हम लोग बेसिकली आयुर्वेदा की बातचीत करते हैं, जहां ग्लोबल वेलनेस के बारे में। और कल क्योंकि भारत की स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर कार्यक्रम था, तो कल 15 योद्धा इकट्ठे इस प्रोग्राम में आए, वेलनेस के जो एक्सपर्ट्स हैं, ग्लोबल एक्सपर्ट्स। 15 लोगों ने 1 घंटा 50 मिनट में अपना पूरा कार्यक्रम दिया और उस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से हमने वेलनेस की थेरेपी को 15 अगस्त को पूरे विश्व के लिए कल शेयर किया। हर रविवार शाम को 5 से 6 बजे तक हम लोग आसियान के बारे में बातचीत करते हैं और रात्रि के 7 बजे, जैसे हर रोज हमारा कार्यक्रम होता है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज को लेकर हम शिक्षा को आगे लेके चल रहे हैं। क्योंकि आखिरकार जो कुछ भी शिक्षा है उसका कहीं ना कहीं जीवन में कोई तो मतलब है। और यह सारी रिसर्च जो हमने जुलाई तक अपने चैम्बर की तरफ से पूरे वर्ल्ड से इकट्ठी की कि बिजनेस किस तरीके से चेंज होगा और बैक टू बेसिक्स ऑफ लाइफ में जाएगा। आप सबका आज की सुबह स्वागत है और आप सबको हम आमंत्रित करते हैं, हमारे इस कार्यक्रम को आगे लेके चलते हैं। और अभी तक जो हमने बातचीत की उस श्रीमद् भगवद गीता पे की, लेकिन आज हमारे मनोभव और हमारे जो आज अतिथि हैं वो आपके साथ आगे अपने विद्या से अध्यात्म की तरफ को हम कैसे चलेंगे। सो प्रोफेसर सत्येंद्र धीमान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ही इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ लीडर थिंकर
for the pioneer contribution to the field of holistic leadership, workplace spirituality and well-being, and sustainability. Professor Dhiman is a sought after keynote speaker at the regional, national, and international conferences. In 2003, agar hum jaye piche mudkar, so he was invited to be opening speaker at the prestigious TEDx talk, that is a conference which was held in California. Professor Dhiman has won several prominent awards in teaching, scholarship, and services, including the prestigious ACBSP International Teacher of the Year Award, jo America mein apne aap mein bahut bada award hai, where he was selected as winner from among 500 member universities in the United States. This international award is the highest possible honor that can be bestowed upon a business faculty in a given year. Educated at three different continents, Professor Dhiman holds a PhD in social sciences from Tilburg University, Netherlands, a doctorate in organizational leadership from Pepperdine University, Los Angeles, and MBA from the West Coast University, Los Angeles, and a master's degree in commerce from Punjab University, Chandigarh, India, having earned his gold medal. He has also completed advanced executive leadership program at Harvard, Stanford, and Wharton. Professor Dhiman Saab came to the USA as a Rotary International Scholar in the year 1988, after having taught at the prestigious DAV College Jalandhar for 10 years. He is an author, translator, editor, co-author, co-editor of over 35 management, leadership, spirituality, and sustainability books and research monographs. He has also translated several Indian spiritual classics into English, including Sahaj Gita and Krantikari Santwani. Currently, Professor Dhiman serves as an Associate Dean, Chair and Director of the MBA program, and as a Professor of Management at the Woodbury University, Burbank, California, USA. He has served as Accreditation Consultant, Evaluator, and Site Visit Team Leader for the Accreditation Council for Business Schools and Programs for more than 20 universities in America, Canada, Europe, and Asia. Professor Dhiman is the founder director of Forever Fulfilled, a Los Angeles-based well-being consultancy that focuses on workplace wellness, workplace spirituality, and self-leadership. These are the buzzword today in our entire ecosystem of education and management. He has served as the president of our chamber. He had been very kind to accept and further take the journey as a patron of International Chamber for Service Industry. With these words, ladies and gentlemen, these two pages, these two slides, he would be sharing with all of you, this slide as well as the next slide. This is just to give you the glimpses. And of course, imagine the timeline books of Dr. Satinder Dhiman, which has been done over a period of time and which has carried so much to humanity. And over the years, whether in India or abroad, he had been dedicating his entire time basically to serve the humanity the best possible way. So ladies and gentlemen, I get back to those slides once again, and I'll keep them open before I invite the distinguished guest this morning. Hearty welcome to Professor Satinder Dhiman. Vasudev Sutam Devam Kans Chanur Mardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagat Guru Sarve Bhavantu Sukhina Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashantu Ma Kachit Dukh Bhag Bhave. ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम श्री गुरुभ्यो नमः थैंक यू शर्मा जी फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी दिस इज ए वेरी स्पेशल टाइम And this is a very special series. We do not know
what benefit it will get and how far it will go. It is all in God's. That's why in the beginning, humne Bhagwan Krishna ka aahvan kiya, Vasudeva, Sutam Devam. And after that, sabki mangal kamna ki, sarve bhantu sukhina. In this mantra, the most important thing is the third part. Sarve bhadrani pashantu. Sab logon ko, unke liye, jo sabse kalyankari cheez hai, usko nazar a jaye wo. Dekho, कैसी प्रार्थना की है ऋषि ने, क्योंकि यही हमें नहीं पता लगता व्हाट इज गुड फॉर अस. हमारी तो दशा डायबिटिक के पेशेंट जैसी है कि जो चीज बिल्कुल ठीक नहीं है और मीठी है मगर अच्छी बड़ी लगती है. तो वो ऋषि कह रहा है सब सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, सब लोगों को उनके कल्याण वाली वस्तु पश्यन्तु नजर आ जाए. ये सारी अध्यात्म विद्या देखने की बात है, सुनने वाली बात नहीं है. कबीर साहब भी कहते हैं लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी की बात. गीता में बार बार यो पश्यति सा पश्यति या पश्यति सा पश्यति कहा गया है. जो देखता है वो इस तरह से देखता है, तद्विधि जैसे ऐसे देखो. तो बार बार ऋषि हमें हमारे उपनिषदों में भी कहते हैं कि देखो जानो तो उठो जागृत अवस्था में जागो. पहले तो उठो फिर जागो. हम पहले जागते हैं फिर उठते हैं. तो ऋषि कुछ और कह रहे हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि जागना और उठना दो अलग अलग चीजें हैं. सो विद दीज थ्री मंत्रास वी विल स्टार्ट एवरी वर्कशॉप और टॉक टुडे. आई प्लान टू ले द ग्राउंड वर्क. It is very important. I must say that what I am going to share from now onwards is nothing that I am going to share from my side. This is Shruti Acharya Darshita Marg. Ye Shrutiyon ka, Vedon ka, Shruti Ved hai. Aur jo Acharya hain, jaise Shankaracharya hain, उस परंपरा में उनका दिखाया हुआ मार्ग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं. अपनी तरफ से कुछ मनगढ़ंत बातें हमारी इच्छा नहीं है आपके साथ शेयर करने की, उसके लिए और बड़े प्लेटफॉर्म हैं. मगर यहां पर श्रुति आचार्य दर्शित मार्ग वो हम शेयर करेंगे. ऐसा हमें जैसे पढ़ाया गया वही हम आपके साथ, और हमारा कोई मकसद नहीं है. देयर इज नो अदर पर्पज ऑफ दीज सेमिनार्स और दीज वेबिनार्स other than sharing that enthusiasm and excitement which have been received from different. In one of my earlier webinar, I made a comment about a person has to know what the person wants. Sarve Bhadrani Pashantu. One has to know sabse badi zaruri baat, whether you want to be an IAS officer or you want to succeed in the worldly sense. Sansar mein kuch banna hai, या परमार्थ में कुछ करना है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू वांट. क्योंकि अगर ये नहीं पता तो फिर भूल होती रहेगी, तो फिर वो 50 जगह पर एक एक फुट खोदने वाली बात हो जाएगी. अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने किसी और के पास जाके कुछ नहीं सीखना, बिल्कुल नहीं इसका मतलब है सबके पास जाके सीखो. मगर आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं. मधुमक्खी जो है वो ये नहीं कहती कि मैंने सिर्फ गुलाब के पास ही जाना है, वो तो हर फूल के पास जाती है. मगर मधुमक्खी को ये आर्ट आता है, उसके पास एक कीमिया है, उसके पास वो नजर है पश्यन्तु वाली. उसको पता है कि फूल में कहाँ बैठना है और कितना जहां बैठकर कितना उसके अंदर वो लगाना है जिससे वो नेक्टार उसमें से निकल आए. फिर It is not just that. It is not about लोगों के पास जाओ इकट्ठा करो. इकट्ठा तो कीड़ियां भी करती हैं, वो जो होती है आपकी ants. They also gather the stuff. There are three types of learners. आज ये बात भी हो जाए preliminary भूमिका के लिए, पृष्ठभूमि के लिए. There are three types of learners. One can be compared analogically with ants. जो बाहर जाते हैं
और सब कुछ इकट्ठा करते रहते हैं, जैसे कीड़ी होती है वो बाहर जाती है, बाहर से सब कुछ अंदर ले आती है अपने बिल में। एक ये है रीडर्स, ये भी हैं, इनकी एक अपनी महिमा है, हम किसी का खंडन मंडन नहीं कर रहे। अगर आपके साथ ये चल रहा है और आपको अच्छा लगता है और आपका काम हो रहा है, आपको हम धन्यवाद देते हैं, यू हैव राइट। दूसरे टाइप के लीड और भी एक रीडर्स हैं, वो मकड़ी होती जैसे, वो अपना ही ताना बाना बुनते रहते हैं, अपने दिमाग को ही मन में ही बस घूमते डूबते रहते हैं। वो एक दूसरे तरह के लर्नर्स हैं और रीडर्स हैं। एक तीसरे तरह का लर्नर और रीडर है और वो है मधुमक्खी, जो कि गोज टू डिफरेंट फ्लावर्स बट नोज एग्जैक्टली व्हाट एंड वेयर दैट थिंग इज देयर। वो जो नेक्टार है, वो जो अमृत है, उसको पता है कहाँ है, और वो अलग अलग जाकर फूलों से, अलग अलग बाड़ियों में जाकर मधुमक्खी जो है, द बी हनी बी एक्सट्रैक्ट्स द नेक्टार एंड देन उसके ऊपर बैठती है, मीनिंग उसको वो पकाती है और दुनिया को वो शहद देती है। ये है टीचर का काम कि अलग अलग सोर्सेस के पास जाओ, उनमें से जो एसेंस है निकालकर वैसा ही ना दे दो जैसा इधर से लिया। कई लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ही करते रहते हैं टीचिंग में, या समथिंग फ्रॉम हेयर समथिंग फ्रॉम देयर, वो कोई टीचिंग वाला काम नहीं है, वो तो किसी की टोपी किसी का सिर, किसकी टोपी किसी का सिर वाली बात है। टीचर का काम है मधुमक्खी की तरह, लाइक ए हनी बी, गो टू डिफरेंट सोर्सेज फ्लावर्स, बट देन उसको कुछ ऐसा तड़का लगाओ, पंजाबी तड़का जैसे कहते हैं, उसको कुछ ऐसा कर दो एल्केमी उसकी, वो उसको शहद बनाकर, हनी बनाकर दुनिया को पेश करो। तो ये तीन तरह के स्टूडेंट हैं, तीन तरह के लर्नर्स हैं। अब इसमें से जो भी आपको भाई आपकी आपकी खुशी पर है, हम नहीं कहेंगे कौन सा बेहतर है, क्योंकि डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स, ऐसे कहा गया इंग्लिश में। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है कि हमें पता होना चाहिए हमें क्या चाहिए, हमारी सभ्यता की खूबसूरती शर्मा जी देखिए, एक पक्षी होता है चातक, आज हम आपको उसके बारे में कुछ बताते हैं कि अगर आपने साधक बनना है, इफ यू वांट टू बी ए सीकर, ये सारा काम जो हो रहा है वेबिनार्स का, उसका सिर्फ एक मकसद है, हाउ टू बिकम ए सीकर। बस एक स्टूडेंट होता है, एक सीकर होता है, सीकर कुछ और है, सीकर जिज्ञासु है, सीकर मुमुक्षु है। अगर यही बन जाए आदमी, बस उसके बाद तो रास्ता आसान है, उसके बाद तो सभ्य थोक प्राप्त, वो जब एक हाथ में आपके आ जाएगी, ये नुक्ता अगर हाथ में आ गया कि लेना कैसे है किसी से, बस यही एक आर्ट है, वो मधुमक्खी के पास है, उससे हमें सीख लेना चाहिए कि वो हर हर के पास जाती है। दैत्रत्रेय ने अपने 24 गुरु बनाए थे, तो हम तो बहुत, हमें तो पता नहीं 24,000 बनाने चाहिए, मगर आपको पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या, नहीं तो वो बात नहीं बनेगी, वो तो सारी जिंदगी आप घूमते रहेंगे। देन यू विल बिकम व्हाट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल टूरिस्ट। और हम कोई स्पिरिचुअल टूरिज्म नहीं पढ़ा रहे, वो एक और विभाग है, वो कईयों ने बड़े अच्छे तरह संभाला हुआ है, वो हमारा विभाग नहीं है। इट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल टूरिज्म कि आप आइए, रिट्रीट्स लगाइए, अगले साल फिर आइए, वो तो टूरिज्म है। अगर टूरिज्म से ही आपकी बात बन रही है तो आप धन्य भागी हैं, आप बड़ भागी हैं, तो वो हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है कि चातक कैसे बनना है, चातक। और तुलसीदास जी नेवर फेल्स, वो हमेशा अल्यूमिन करते हैं हमें। वो कहते हैं, गंगा यमुना सरस्वती, तीनों नदियां आगे बड़ी, गंगा यमुना सरस्वती सात सिंधु भरपूर। देखिए कितना पानी है, कितना पानी है, गंगा यमुना और सरस्वती है और सात समुंदर भरे पड़े हैं पानी में, पानी के। मगर तुलसी चातक के मते, वो जो चातक पक्षी है, वो आकाश की तरफ देख के, उसकी जो चोंच होती है बीक, इट्स लाइक ए कप लाइक दिस, वो ऐसे करके ऊपर को देखता है, अपनी चोंच खोले बैठा है कि वो स्वाति नक्षत्र की जब बूंद गिरेगी, एक बूंद चाहिए उसे, सात समुद्र का पानी नहीं चाहिए उसे,
गंगा यमुना सरस्वती सात समुद्र भरपूर सात सिंधु भरपूर तुलसी चातक के मते बिन स्वाति सब धूर। स्वाति की नक्षत्र की एक बूंद के बगैर सब धूल है, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। तो आप जब चातक बन जाएंगे, जब आपकी वो इच्छा हो जाएगी उसको मिलने की प्यारे को, और फिर आपको और कुछ नहीं चाहिए, बस ये नहीं है कि ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, ये भी नहीं है कि दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड बी लुकिंग फॉर, तब ये मिलती है, ये वो चीज है। नहीं तो भगवान कहते हैं बहुनान जन्म अनंते ज्ञानवान मप, बड़े जन्म लग जाते हैं, बड़े जन्म लग जाते हैं। ये तो उन्होंने एनकरेज करने के लिए कहा है। ये तो इतनी गहन विद्या है, गहन विद्या है कि इस पर तो वो श्रुतस्य धारा कहा है इसको, कि ये तो खंडे की धार है, खंडे की धार। बहुत मुश्किल काम है, डगमगाए तो कट मरे, निश्चल उतरे पार, खंडे की धार है ये। तो इसके लिए चातक बनना पड़ेगा हमें, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि तुलसी कह रहे हैं कि चातक की नजर में वो एक स्वाति की बूंद के अलावा सब कुछ धूल है। जब आपके लिए वो एक परम आत्म तत्व जो है परमात्म तत्व, वो सबसे बड़ी बात बन जाएगी और सब चीज आपके लिए धूल बन जाएगी, फिर वो तत्व जो है अपने आप आपके पास आ जाएगा, अपने आप। वो तो आपका अपना आपा है। संत कहते हैं कि ना नेड़े ना दूर सर्वत्र भरपूर, वो साक्षात परोक्षात है। अगर कोई एक ऐसी चीज है जिसको आप कभी इनकार नहीं कर सकते, वो है आपका अपना आपा, योर ओन प्योर अवेयरनेस। और एक जो ऐसी चीज है जिसको आप कभी काट नहीं सकते, अकाट्य है, बाधित नहीं हो सकती, वो आपका अपना होंद है, योर ओन एग्जिस्टेंस, यू नेवर निगेट। शंकराचार्य जी राइट्स इन ब्रह्म सूत्र भाष्य दैट यू कैन नेवर, nobody can never negate their own existence, because when you negate your existence you have to be there to negate it. Similarly you can never negate that you are not aware. So sat aur chit ikatthe aate hain, sat maine aapka existence, chit maine awareness, sadev chit chadev sat, aise ukti aati hai vedon mein ki jo sat hai wo chit hai aur jo chit hai wo sat hai, yani ke जो आपका एग्जिस्टेंस की फीलिंग है बीइंग की। तो जब आप ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं ना, तो पूरी एकाग्रता से एक मन होए एक चित, वो जो भगवान कृष्ण अर्जुन को पूछते हैं त्वा एकाग्रेण चेतसा एतत् श्रुतम पार्थ, क्या तूने मेरी बात को कश्चित एतत् श्रुतम पार्थ त्वा एकाग्रेण चेतसा, क्या तूने एकाग्र चित होकर मेरी बात सुनी है। ये वो चीज नहीं है कि आप कुछ और करते रहें फिर वो और करते रहें। तो ये तो 90 मिनट जो है, 90 मिनट अगर आप देंगे एक हफ्ते में, हम कितना समय निकालते हैं, कितना समय वेस्ट करते हैं ऐसी ऐसी चीजों में जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये तो वो चीजें हैं, अगर बात बन गई, बनते बनते बन जाती है बात, किसी ना किसी सेमिनार में बन सकती है, हमारे जैसे ऑर्डिनरी व्यक्ति के जरिए बन सकती है। नहीं तो अगर चातक नहीं है कोई तो ब्रह्मा जी खुद आ जाएंगे, 10,000 जन्म तक कुछ बात नहीं बन सकती, क्योंकि हमें पता ही नहीं हमने क्या लेना है। तो 50 जगह पर अगर खोदेंगे तो कोई पानी नहीं मिलेगा। तो ये चातक बनना पड़ेगा आपको, एक ऐसी जिज्ञासा आप में होनी चाहिए कि मैंने उस तद कथनम तद चिंतनम अनोन्यम तद प्रबोधनम, ये ब्रह्म अभ्यास कहा है विदुबरान, जो लोग विद्वान है वो उसे ब्रह्म अभ्यास कहते हैं, कि उसका ही चिंतन, तद कथनम तद चिंतनम अनोन्यम तद प्रबोधनम, और उसके अलावा कुछ और बताना बोलना ही नहीं है, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। जब ये बन जाएगा आपका कि मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, तो फिर उस राह में आपको वो प्यारे भी मिल जाएंगे जिसकी हमें तलाश है। जब तक हमें वो चीज नहीं मिलेगी, देखिए संसार को आप इंटेलिजेंटली ऑब्जर्व कीजिए। स्वामी शरणानंद जी महाराज, संत श्रोमणी, मैंने जो आपको शेयर किया है हैंड आउट, उसमें संत श्रोमणी शब्द सिर्फ उनके साथ लगाया है। बड़े ध्यान से ये एक पेज पर एक पूरा दिन लगा हमें बनाने के लिए, ये ऐसा ही नहीं है किसी ने टाइप करके शेयर कर दिया आपके साथ। एक एक शब्द जो है इसमें वो ध्यान से चुन कर लिखा गया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज दिस इज ए वेरी सीरियस टॉपिक। ये हमें अपनी आत्मा का ज्ञान करवा सकती हैं। हमारी जो उपनिषद है वो इतनी गूढ़ विद्या है, रहस्यमय विद्या है, दुनिया में
कोई ऐसी किताब मुझे बताइए जो उनके साथ कंपेयर की जा सके। एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं आर्थर शोपेनहावर, वो चार पांच जो टॉप के विचारक हैं वेस्ट के ऑफ ऑल सेंचुरीज, उनमें उनका नाम आता है, जर्मन के थे वो। ही उनको ट्रांसलेशन दारा सुख ने जो करवाई थी उसकी लैटिन ट्रांसलेशन आ गई अरबी से, वो उनको पढ़ने को मिल गई। वो पढ़कर इतने खुश हुए उन्होंने, अब ये बात सच्ची है नहीं है तो ये तो एक अलग, ये कोई और लोग डिसाइड करें, मगर जैसे हमने सुना है लोगों से, संतों से, वो ये है कि उन्होंने सर पर रख लिया, सर पर रखकर को पोथी को इसकी उपनिषद की और नाचने लग गए। ये है जिसको समझ आ जाएगा, ये वो विद्या है जो मुक्त कर सकती है हमें, या विद्या सा विद्या या विमुक्त है, जो हमें मुक्त कर सकती है, आत्मविद्या हमें मुक्त कर सकती है। और मुक्ति जो है वो सिर्फ ज्ञान से होगी। देखिए आप थोड़ा सा अगेन, तो शरणानंद जी कहा करते थे कि आपको जो भगवान ने विवेक दिया है, निज प्राप्त विवेक है आपका, उसका अनादर ना कीजिए, कभी कभी अनादर ना कीजिए, उसका आदर कीजिए, विवेक का इस्तेमाल कीजिए, और कभी भी विवेक विरोधी कोई कामना ना कीजिए। कोई ऐसी चीज ना मांगिए जैसे उन्होंने मांग लिया किसी ने कि मैं जी ना तो सुबह मरूं ना रात को मरूं, ना ऊपर ना नीचे, ना अंदर ना बाहर। भाई उनको सोचना चाहिए था कि आज तक कोई भी व्यक्ति शरीर के साथ अमर नहीं हुआ, तो वो कैसे हो सकते, वो मांग ही उनकी ऐसी थी पूरी नहीं हो सकती थी। जब भी हम विवेक विरोधी बात मांगेंगे जिंदगी में, ये जीवन के सूत्र हैं। आप रेलेवेंस की बात कर रहे हैं एजुकेशन की, हम एजुकेशन की लाइफ के रेलेवेंस की बात कर रहे हैं कि जो विवेक विरोधी बात है वो ना करो। तो विवेक आपका क्या कहता है वो आप तो हर चीज को जो शेयर हो रही है उसको तर्क संगत विवेक संगत लगाकर सोचिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। एक हफ्ता होता है, कुछ बातें शेयर की जाएंगी। हर एक वेबिनार में मेरी कोशिश होगी कि मैं एक पॉइंटर शेयर करूं आपके साथ, एक पॉइंटर, बाकी तो चीजें सारी हैं, मगर एक खास पॉइंटर शेयर किया जाएगा। अब ये पता नहीं कब शेयर हो, एक घंटे के अंदर, मगर अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो वो पॉइंटर इसलिए शेयर किया जाएगा जिससे हमें अपनी आत्मा के ज्ञान का अनुभव अभी हो सकता है। एक और पते की बात जो हमें अपने जो हमारे टीचर हैं ऋषिकेश वाले, उनसे सुनने को मिली, और मैं हैरान हो गया शर्मा जी कि उन्होंने एक बात मुझे ऐसी कही जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी हुई थी। नंबर वन, वेदों में उसका जिक्र और ढंग से आता है, वैसे सुना हुआ था। फिर मैं अपने ये जो हमारे बेंगलोर वाले हैं टीचर, वो मैं 2016 में उनसे मिला, तो 2009 में अपने ऋषिकेश वाले गुरुदेव से मिला। उन दोनों ने, एक आदमी पंजाबी है, वो फगवाड़े के हैं, उनका शरीर पंजाब का है, और एक वहां से हैं बेंगलोर से, वो कन्नड़ भाषा बोलते हैं। तो दोनों ने मुझे एक ही बात कही, तो मैंने कहा यार कमाल हो गई, 100 सियाणे एक गल, मूर्ख आपो अपनी, सियाणे हमेशा एक गल करते हैं, मगर जो जो सियाणे नहीं है वो अपनी अपनी बातें करते रहते हैं। तो वो आपके आपके साथ बात शेयर करना चाहता हूं आज, और वो बड़ी ही पते की बात है। उन्होंने मुझे ये कहा कि देखो, लोग कहते हैं कि तीन स्टेप्स होते हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन। पहले सुनो, फिर उसका मनन करो, फिर उस पर थोड़ा सा फोकस कॉन्सेंट्रेट करके कंटेम्पलेट करो उसका। तो ये सीधी बात है। ये याज्ञवल्क जी ने जब मैत्रेयी को बृहदारण्यक उपनिषद में, दो बार आती है बात दूसरे और चौथे अध्याय में, उनको बताना चाहा तो यहां से शुरू की, आत्मा वारे द्रष्टव्य हो, आत्मा को देखो, श्रोतव्य हो, मंतव्य निधिध्यासितव्य, कि आत्मा का श्रोत श्रवण करो, आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य हो, मंतव्य हो, निधिध्यासितव्य। ये दो बार आती है बात उसमें बृहदारण्यक उपनिषद में, जो साइज में सबसे बड़ा है, इसलिए उसे बृहदारण्यक उपनिषद कहते हैं। बृहद मीनिंग लार्ज साइज, अरण्यक मैंने इन द फॉरेस्ट में बैठकर जो लोगों ने दिया होगा वो ज्ञान, बड़ा ही विलक्षण वो है, बहुत ही विलक्षण है। उसमें याज्ञवल्क जी मैत्रेयी को ज्ञान देते हैं, वो प्रसंग जब आएगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। मगर उसमें भी कहा गया है निधिध्यासितव्य, श्रोतव्य हो, मंतव्य हो, निधिध्या। तो ये वेदांत की प्रक्रिया है तीन स्टेप की, पहले सुनो, श्रवण करो, फिर उसका मनन करो। जैसे वो गाय होती है, पहले खा लेती है, फिर एकांत में बैठकर अंदर से, ये एक प्रैक्टिकल बायोलॉजिकल प्रक्रिया है,
आप किसी पूछ के देखिए, लोग जो उनके साथ समय बिताते हैं गौशाला में, वो आपको बताएंगे कि पहले जल्दी जल्दी खा लेती है, खा के सारा अंदर चला गया, फिर उसको वहां से ऊपर मुंह में दोबारा लेके आती है, फिर उसकी जुगाली करती है। तो ये जो मनन और निधि ध्यासन है, वो इट्स लाइक गोइंग ओवर, पॉन्डरिंग ओवर, मलिंग ओवर द मटीरियल, ये करना है। मगर हमारे टीचर्स ने, दोनों ने ये बात कही, उन्होंने मुझे ये कहा कि जो अच्छा साधक है, जो उत्तम श्रेणी का साधक है, वो श्रवण, मनन और निधि ध्यासन एक वक्त ही कर लेता है, राइट देयर देन एंड देयर। ये नहीं है पहले सुनो फिर जाके बैठेंगे बाहर बालकोनी में सोचेंगे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये नगद विद्या है, इट इज ए कैश बिजनेस। अगर आपको समझ आए, अगर आप एकाग्र होके सुनेंगे तो पता नहीं कहाँ कोई बात बन जाए, पता कोई नहीं है। इसमें जरूरी नहीं है कि कपड़े भगवे होने चाहिए और नाम के आगे स्वामी और आखिर में आनंद लगना चाहिए, वो तो बड़ी अच्छी बात है अगर लग जाएगा। मगर भगवान कृष्ण गृहस्थ थे, अर्जुन गृहस्थ थे, वेद व्यास गृहस्थ थे, तो गृहस्थ आदमी और हमारे जो जो गुरुदेव हैं वहाँ वाले बेंगलोर वाले, वो गृहस्थ हैं, वो HMT में इंजीनियर थे वो, और बच्चे हैं दो उनके डॉक्टर हैं, वो यहाँ दोनों बच्चे यहाँ हैं उनके, मगर बड़े सादा इंसान हैं, 89 ईयर्स ओल्ड नाउ, कोई नहीं जानता उनको कोई नहीं जानता। ऐसे ही हमारे वो जो हैं ऋषिकेश वाले, मुनि की रेती में रहते हैं, बड़े प्यारे, 45 साल 50 साल हो गए उनको दुनिया छोड़े हुए। तो उन्होंने मुझे ये बताया, ये सूत्र हमें उनसे मिल गया कि जब आपने किसी इंपॉर्टेंट चीज को सुनना है, उसको ऐसे सुनो उस वक्त कि उसी वक्त आपको आत्मसाध हो जाए। ये ना हो कि पहले नोट्स लेते हैं, पहले रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर उसको दोबारा सुन लेंगे, ये तो रिकॉर्डिंग है, यूट्यूब पर डाल देंगे शर्मा जी, इसको दोबारा रिवाइंड करके, अच्छी बात है, वेरी नाइस। मगर जो इस वक्त अगर आप कंसंट्रेट हो जाएंगे, एक मन होए एक चित्त, मनने की गत कही ना जाए, गुरुवाणी में आता है कि जो लोग मान लेते हैं उनकी उनकी तो बात ही कुछ और है। तो ये एक छोटी सी हमारी दरखास्त, मान लीजिए आप कि जब ये वेबिनार चल रहे हों तो कोई और काम ना कीजिए, क्योंकि ये ना हो कि कोई बड़ी इंपॉर्टेंट बात भगवान कहला रहे हों और शायद आपके लिए कहला रहे हों, जो हजारों लोग हमें जुड़े हुए उनमें से एक खास व्यक्ति के लिए कहला रहे हों, मगर अपने अपने मकाम पर, कभी हम नहीं कभी तुम नहीं, ऐसा ना कहीं हो जाए कि कभी हम नहीं अपने मकाम पर कभी तुम नहीं है। भगवान कहते हैं कि मैं 10,000 बार तुम्हें कॉल करता हूं हर रोज, मगर लाइन्स आर बिजी, आपकी लाइनें बिजी रहती हैं। भगवान कहते हैं भगत को, मेरे दोस्त मैं तो 10,000 बार तुझे कॉल करता हूं एवरी डे, मगर वो कनेक्शन बिजी जाता है, लाइन बिजी जाती है, भगवान क्या करे। तो इसलिए ये एक एक बात। दूसरी बात, ये जब हम उनके पास गए 5-7 साल बाद, उन्होंने मुझे पहले दिन यही बात कही और मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार कमाल हो गई है, तो ये दो व्यक्ति जो आपस में जानते नहीं है एक ही बात कर रहे हैं, दोनों की ट्रेनिंग डिफरेंट है, उनके टीचर अलग थे मगर संप्रदाय एक ही था, दोनों शंकर आदि शंकराचार्य के संप्रदाय में दोनों ही इनिशिएट हुए थे। संप्रदाय शब्द क्या होता है, आज आपके साथ क्विकली शेयर करके फिर एक और बात करेंगे, फिर थोड़ी से एक दो मंत्रों को लेंगे जैसे जैसे भगवान की इच्छा हुई। तो संप्रदाय क्या है, जो लोग संप्रदाय कहते हैं, मजहब की बात नहीं कर रहे हम, जब तक फांसी मजहब की तब तक होए ना ज्ञान, हमने संतों से सुना है, जब तक फांसी मजहब की, जब तक गले में फांसी डली हुई मजहब की तब तक होए ना ज्ञान, मजहब फांसी छूटे तब पाए पद निर्वाण, पाए पद निर्वाण निरंजन माही समाए, ये पलटू साहब की कुंडली है। तो ये मजहब की बात नहीं है, ये बात है संप्रदाय की, जो सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम, ये हम परंपरा की बात कर रहे हैं, ये भगवान शिव से शुरू होती है और वो शिव जो है वो सदाशिव है, वो शिव जी तो हैं ही, मगर ये उनसे भी पहले जो कॉन्शियसनेस है, सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत, वो जो सबसे पहले था, सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत
एकमेव आदित्यम ब्रह्म, वो जो एकमेव आदित्यम जो है, वन विदाउट ए सेकंड है, ये वो बात हो रही है। तो सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। तो जो वहां से शुरू होकर मध्य में शंकराचार्य जी आते हैं और उसके बाद जो आज के गुरु हैं उनको हम सबको वंदना करते हैं, ये वो परंपरा है, ये वो संप्रदाय है। संप्रदाय क्या होता है? सम्यक प्रदीयते, ये संस्कृत शब्द है संप्रदाय, सम्यक प्रदीयते इति संप्रदाय, जिसमें आपको जैसा ज्ञान है यथाभूत वैसा बता दिया जाए। जैसा शंकराचार्य जी ने अपने किसी शिष्य को बताया होगा, उसके किसी शिष्य ने बताया होगा, उसके किसी शिष्य ने उसको बताया होगा, ये लड़ीवार चलती आ रही है। आप हैरान होंगे, आज भी लोग मौजूद हैं जिनकी लड़ी टूटी नहीं है, मगर आपको ढूंढने पड़ेंगे। तो इन इन वेबिनार्स का एक और मकसद ये भी है कि आपके दिल में इतनी भूख और प्यास लग जाए इन चीजों के प्रति कि आप जाकर किसी को ढूंढ लें। ये भी एक मकसद है, क्योंकि आपको सब कुछ दिया जा सकता है, कोई व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति सब कुछ दे सकता है, एक चीज आपको कोई नहीं दे सकता, भगवान खुद भी नहीं दे सकते आपको वो चीज। ब्रह्मा जी खुद आ जाएं, एक चीज नहीं वो दे सकते, और वो है आपकी अपनी भूख और जिज्ञासा, जिज्ञासा द डिजायर टू नो समथिंग, वो आपकी अपनी चाहिए, भूख और प्यास अपनी चाहिए, बाकी सब कुछ आपको मिल सकता है। तो एक मकसद इनका ये भी है हमारा कि आपके अंदर एक ऐसी जिज्ञासा पैदा कर दी जाए कि वो जो लोग हैं जो हमारे हिंदुस्तान में हैं और आपके बिल्कुल करीब भी हो सकते हैं जहां आप रहते हैं, मगर अभी वो देखने वाली आंख नहीं है। When the student is ready, the teacher appears. इसका मतलब ये नहीं कि टीचर वो छत में से मोरी निकालकर आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, नहीं, टीचर तो है ही आपके इर्द गिर्द में लोग हैं, मगर हमें अभी नजर नहीं आते क्योंकि हमें अज्ञान अवर्तम मोहित, वो अज्ञान ज्ञान को अवर्त कर रहा है, ज्ञान पर पर्दा डाला हुआ है। तो दरमिया बरखेज, उसमें से अंदर से हम जब निकलेंगे तो पता लग जाएगा। तो एक दूसरी बात, एक इसके साथ एक और दूसरी बात है प्रिलिमिनरी में, और वो ये है, एक तो ये बात हो गई कि आपने सुनना और उसका मनन करना और उसका पूरा भावार्थ समझना उसी वक्त हो जाना चाहिए, और अगर पूरा एकाग्र होंगे तो बात बन जाएगी। फिर आपके प्रश्न कुछ और होंगे, फिर वो भगवत गीता वाले परिप्रश्न होगा, प्रश्न नहीं होगा आपका, परिप्रश्न होगा, प्रॉपर क्वेश्चनिंग होगी फिर, क्योंकि वो एक जिज्ञासु है और वेदांत में जिज्ञासा जरूर पूरी करनी चाहिए, उसकी पूरी छूट है वेदांत में। वेदांताचार्य जी इस बात की छूट देते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कोई शंका है तो उसकी शंका निवारण कर दो, क्योंकि ज्ञान क्या है जिसमें कोई शंका नहीं है? शंका विपर्य रहित ज्ञान जो है वो ज्ञान होता है, उसमें फिर ये नहीं है कि डाउट है आपको, डाउट नहीं होता। कबीर साहब कहते हैं अपनी अपनी वाइफ को, उनकी पत्नी का नाम लोई था, देखो कितना प्यारा नाम है लोई, वो कई बार हम ऊपर डालते हैं ना अपने ऊपर, लोई डाल दो, वो नाम था उनका चद्दर। तो कबीर साहब लोई को कहते हैं, ये काफी रेयर चीज है, ये आपको यूट्यूब पर मिलने वाली कम चीजें हैं। तो वो कहते हैं, कहे कबीर सुन रे लोई, अपनी वाइफ को कह रहे हैं, वो अंत समय आ गया था उनका, तो उसको वो उदास हो गई, उसको समझा रहे हैं, कहे कबीर सुन रे लोई, है नहीं मरना, रोए ना कोई, कि हम मरेंगे नहीं, हमारी मृत्यु नहीं होगी, शरीर की बात नहीं कर रहे, वो शरीर तो जो अवतार लेके भगवान आते हैं उनका भी नहीं रहता, हालांकि उनका दिव्य शरीर होता है। वो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, वो अलग बात है, मगर कबीर साहब को इतना ज्ञान हो गया था इस बात का कि मरे ना कोई, हम मरेंगे नहीं, रोए ना कोई, कहता मेरे जाने के बाद रोना ना, क्योंकि संत तो अपने घर जाता है, निज घर जाए उसका क्या रोना है, ठीक है। तो ये विद्या है जो हमें निर्भय पद प्राप्त करवा सकती है। आप जितना मर्जी संसार में बड़े बन जाइए, जितनी मर्जी चीजें इकट्ठी कर लीजिए, मगर एक भय कभी नहीं दूर हो सकता, साइंस नहीं दूर कर सकती, कोई दूर नहीं कर सकता उसको, है, और वो मरने का भय है, और मरने का भय तब तक है जब इस शरीर के साथ तदात्म्य है। तो ज्ञान की यही खूबसूरती है, ना जायते मृियते वा कदाचित, ना भूत वा भविता वा न भुआ, ना हन्ने हन्यत मानुषी, भगवान कह रहे हैं अजो शाश्वतो नित्य अयम नित्य पुराणो, ना हन्यते हन्य माने शरीरे, अर्जुन को दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में कहा
कि ये जो शरीर है ना ये तो हन्ने हो जाएगा मर जाएगा, मगर वो तत्व जो है अविनाशी तू तत्विधि ये इन सर्वमिदम तत्म, उस अविनाशी तत्व को जान ले जिससे ये सारी दुनिया ओत प्रोत है। कई बार ये शब्द आया है येन सर्वम इदम तत्म, भगवद गीता में कई बार भगवान कहते हैं येन सर्वम इदम तत्म, एक बार तो कह दिया कि मेरा ही सारा तत्व है यहाँ पर प्रोक्तम, जैसे वो सूत्र एव मणिगणा एव, जैसे सूत्र में मण मणिये जो होती हैं मन के जो हैं वो द बीड्स इन द रोजरी, वैसे ये सारी दुनिया मेरे सूत्र धागे में प्रोई हुई है, ऐसे कह दिया एक बार उन्होंने। तो ये जो अविनाशी तत्व की प्राप्ति है कबीर साहब को हो गई थी, तभी उन्होंने कहा कहे कबीर सुन रे लोई के सुन ले ओ माय डियर लोई सुन ले, क्या है नहीं मरना, मरना तो है ही नहीं है रोए ना कोई, कोई ना रोए। तो ये ज्ञान से होता है, ज्ञानेद एवर मुक्त है, ज्ञान से मुक्ति होती है। देखिए अगर ज्ञान के अलावा मुक्ति होती होती तो भगवान कृष्ण तो अर्जुन के सामने साक्षात थे, विवेक लगा के देखिए जरा, अगर ज्ञान के अलावा मुक्ति होती तो भगवान अर्जुन को कहते भी अर्जुन मैंने तुम्हें तुमने मेरे दर्शन कर लिए हैं तो तेरी सारी शंकाएं मिट जानी चाहिए, या अगर मुक्ति दी जा सकती तो भगवान से बड़ा तो उनको तो योगेश्वर कहा है अंत में, जो लास्ट श्लोक है गीता का, यत्र धनुधर अर्जुना यत्र योगेश्वर कृष्णा, जहां पर योगेश्वर हैं कृष्ण तो योगेश्वर थे, तो वो अर्जुन के माथे पर हाथ लगा सकते थे, आज्ञा चक्र को टच कर सकते थे, उसकी कुंडलनी जागृत कर, कुछ नहीं किया उन्होंने, क्योंकि अर्जुन को ज्ञान दिया, ज्ञान देकर उसको मुक्त किया खुद भगवान ने। तो इससे बड़ा तो कोई योगी नहीं आ सकता ना, अगर आपको कोई प्रॉमिस करे। हमें एक बार एक संतों ने ये कहा, कहते बेटा ऐसे है हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिलाओ जो आंख बंद करके करवा के आपको उस चीज की अविनाशी तत्व के दर्शन करवा दे, और आंख खोलने के बाद वो चीज रही। मान लीजिए किसी ने आपका ध्यान लगवा के आंख में आपको कहा जी, तो आपने कहा जी मुझे ब्लू लाइट नजर आ रही है, आंखें खोलिए, अगर ब्लू लाइट नजर आएगी तो फिर चेकअप कराना पड़ेगा आपको, अगर आंख खोलने के तो वो ब्लू लाइट की वैल्यू क्या जो आंख खोलने के बाद ना रहे। सो कोई भी जो अविनाशी तत्व है वो आंख बंद करा के उसका अनुभव कोई नहीं करवा सकता। आपको अनुभूतियां हो सकती हैं, लोगों को होती हैं, मगर उससे वो कबीर साहब वाला कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, है नहीं मरना रोए ना कोई। ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आत्मा का परमात्मा के साथ एक मिलन हो जाएगा, जब जो कप के अंदर, इस कप के अंदर जो स्पेस है और इसके जो बाहर स्पेस है उसमें कोई फर्क नहीं है, तो कप के टूटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो स्पेस बाहर है वो अंदर है। तो नानक लीन भयो सतगुर सो ज्यों पानी स्यों पानी, तो फिर तो वो पानी के साथ पानी मिल गया, होए ना मरना रोए ना कोई। तो ये कॉन्फिडेंस जो है वो भगवद गीता और उपनिषद हमें दे सकते हैं अगर हमें इसका थोड़ा सा इसके साथ प्यार हमारा हो। एक और बात याद आ रही है, कॉन्फिडेंस जो है हमारे ऋषियों की कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, कबीर साहब के कॉन्फिडेंस की बात देखी आपने। ऋषि देर आर मैनी उपनिषद्स, देखिए अगर कोई एक व्यक्ति कहे कि देर आर 15 प्रिंसिपल उपनिषद तो भी ठीक है, हम उनके साथ बहस नहीं करेंगे। कोई कहे जी 18 हैं, हम उनके साथ भी कुछ नहीं करेंगे, हम उनको कहेंगे बहुत अच्छा जी। कोई 20 कहे कोई बात नहीं, हम बात कर रहे हैं एक संप्रदाय की और एक युक्ति युक्त बात कर रहे हैं, और वो ये है कि उपनिषद तो बहुत हैं मगर शंकराचार्य जी ने ये ठीक समझा कि 10 उपनिषद पर कुछ लोग एक और जोड़ देते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्वेतवाहन उपनिषद, तो 11 उपनिषद जो हैं शंकराचार्य जी ने उस पर कॉमेंट्री की, भाष्य लिखा। उन्होंने 3 चीजों पर भाष्य लिखा है, 11 उपनिषद मान लीजिए आप, ब्रह्मसूत्र पर और एक भगवद गीता पर, और एक उनकी किताब है उपदेश शास्त्री, शाश्वत किताब है। सारे जो स्कॉलर्स हैं वो उनका एक मत है कि ये चीजें उनकी अपनी लिखी हुई हैं, बाकी कुछ प्रकरण ग्रंथ हैं जैसे आत्मबोध है, तत्वबोध है, विवेक चूड़ामणि है, उसके बारे में स्कॉलर्स आर नॉट श्योर वेदर दे वर रिटन बाय आदि शंकराचार्य और समबडी एल्स आफ्टर हिम बाय द सेम नेम, मगर ये जो उनकी कमेंट्रीज ऑन 11 उपनिषद है वो शाश्वत चीजें हैं। स्कॉलर्स ने आगे पीछे करके इनको स्टडी किया और कहा है कि बिल्कुल उसका जो इंटरनल एविडेंस है वो पूरा होता है। तो मैंने 10 प्रिंसिपल उपनिषद इसलिए कहे हैं
क्योंकि इन पर शंकराचार्य जी ने भाष्य किया, उस एंगल से कहा, अपने दिल से लगा के नहीं कहा। तो मैं 15 भी कह सकता हूँ, 18 भी कह सकता हूँ, वो तो अपने दिल की बात है, अलग अलग लोगों के विचार हैं। हमारा किसी के साथ डिस्कशन करने का इस टॉपिक पर कोई मकसद नहीं है, कोई हमारा ये भी मकसद नहीं है कि कोई वाद विवाद करें किसी के साथ। हमने ये कहा है कि 10 उपनिषद पर आदिशंकर भगवान शंकराचार्य जी के कमेंट्री है, और एक और पर भी है उनकी, तो 11 मान लेते हैं, तो हम उनको लेके चलेंगे। तो उनमें से जो श्वेतश्वात्र उपनिषद है उसकी आपको एक छोटी सी याद सुनाते हैं, और देखिए ऋषि कहाँ बैठे हुए हैं हमारे, आप हैरान हो जाएंगे। ऋषि कहता है, बड़ा प्यारा उपनिषद है, बहुत प्यारा, छोटा सा है। इसमें एक जगह आता है, साक्षी देवो केवल, साक्षी एक ही है, निर्गुणश्च, साक्षी देवो केवलो निर्गुणश्च। मगर आज जिस मंत्र की बात है होएगी, वो बड़ा खूबसूरत मंत्र है, उसमें ऋषि का कॉन्फिडेंस देखिए। वो कह रहा है कुछ इस तरह से, मंत्र है, वेदाहम एतम, वेदाहम, मैंने देखा है, ऋषि कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ऋषि कह रहा है वेदाहम एतम, मैंने उसे ऐसे देखा हुआ है, जिसकी बात हो रही है उसको मैंने देखा है। किसको? वेदाहम एतम पुरुषम महांतम, जो महान पुरुष है, आदि पुरुष है, उसको मैंने देखा अपनी आंखों से। ये वेद, वो मंत्र कहने वाला, लिखने वाला कह रहा है, क्योंकि वो मंत्र दृष्टा है। वेदाहम एतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात, वो जो तमसा परस्तात है, जो उस अंधकार से परे है, आदित्य वर्णम, जो सूर्य की भांति चमकता है, उसको मैंने देखा, उस पुरुष को। और जब उस पर मेरी नजर पड़ी, तो फिर अगले श्लोक में कहते हैं, उत्तरार्थ भाग में मंत्र के कहते हैं कि तमें विदित्वा, तुम्हें जानकर, उसको जानकर, मृत्युमति मृत्युमेति, मृत्यु की अतिक्रमण हो जाता है, अति मृत्युमेति हो जाती है, यू गो बियॉन्ड डेथ, ना अन्य पंथा विद्य अवनाय, इसके द्वारा और कोई रास्ता नहीं है। कॉन्फिडेंस से बात की यार ऋषि ने, एक ही मंत्र में सारी बात कह दी। क्या कहा? मैंने उस आदि पुरुष को देखा है, सुना नहीं है, पढ़ा नहीं है, सिर्फ YouTube पर वाच नहीं किया उसको, मैंने देखा है, आई हैव सीन हिम। किसको? वो पुरुषम महानतम, वो महान पुरुष है, जिसके बारे में पुरुषोत्तम योग भी आया है भगवद गीता में, और उसके बारे में कठोपनिषद में आया है, परता न परा किंचित पुरुषा न परा किंचित साकाष्ठा सा परागति, पुरुष से ऊपर कुछ नहीं है, उस परम पुरुष परमात्मा से ऊपर कुछ नहीं है, साकाष्ठा सा परागति, ये प्रकाष्ठा है ज्ञान की। तो एक तो ज्ञान है और एक आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान जो है वो विद्या जो है वो प्रतिष्ठा कहा गया है, विद्या की प्रतिष्ठा है। इसमें सारी विद्या कल्मिनेट हो जाती है, पूरी विद्या की कल्मिनेशन हो जाती है अध्यात्म विद्या में। तो उस विद्या को हम लेकर चलेंगे। तो आज ये एक जो मंत्र है ना कि तमेव विदित्वा, तुम्हें जानकर, अति मृत्युमेति, मृत्यु से आदमी पार हो जाता है, ना अन्य पंथा विद्य ना, इसके अलावा कोई और रास्ता नजर ही नहीं आता, कि ये ऋषि कह रहे हैं। तो अब इस मंत्र को जब आप समझेंगे, तो हमने कई बार अपने टीचर से शुरू में एक प्रश्न किया करते थे हम, कि ये जो चीजें लिखी हुई हैं, क्या ये सत्य हैं, कि वैसे ही किसी ने थोड़ी बहुत अलंकृत करके, बढ़ा चढ़ा कर, लिटरेचर में होता अलंकार कर देना, कहा है किसी ने। तो हमारे टीचर ने डांट कर कहा कि नहीं, बिल्कुल सत्य है ये, बिल्कुल सत्य कही जो कही है, जिसने कही है, ये ऐसे बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहा गया, ऐसा ही है उन्होंने हमें कहा। बार बार हमने कई बार चीजों के बारे में पूछा कि क्या ये बात सत्य है। वो एक जगह लिखते हैं कि स्वप्नांतम जागृतांतम जा, ये कठोपनिषद 214 दूसरे अध्याय का पहले सेक्शन का दूसरा तीसरा या चौथा श्लोक है, मंत्र है कि स्वप्नांतम जागृतांतम चा, स्वप्न और जागृतांतम के जो बाहर है, उभयोत येन अनुपश्यति, इन दोनों को जो देखने वाला है, महांतम विमुम आत्मानम ज्ञात्वा धीरो ना शोचित। तो मैंने ये पूछा कि क्या ये सत्य है कि इसको देखने से या अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सत्य है। तो ये जो मंत्र है कि तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति, कि तुम्हें देखकर, तुम्हें जानकर, विदित्वा मैंने जानकर, मृत्यु का प्राणी अतिक्रमण कर जाता है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, इसको देखने के अलावा, इसको जानने के अलावा, इस आत्मा को जानने के अलावा
कोई और रास्ता नहीं है। अगर ऋषि ने ये कहा है तो उसका ये कॉन्फिडेंस है और ऐसे ही नहीं कह दिया, बात नहीं की उन्होंने। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम भी उस परम पुरुष को देख सकते हैं? तो उसका जवाब संत ये देते हैं कि बिल्कुल देख सकते हैं, अगर हमारी भी लगन वो रहेगी तो हमें वो चीज हमारे अनुभव में आ जाएगी, और जब अनुभव में आ जाएगी फिर हम भी कह सकते हैं। तो दूसरी आज बात ये मेरी इच्छा थी करने की कि एक तो बात है कि हमें पता होना चाहिए हमें क्या लेना है, दूसरी बात आज से जो भी कुछ शेयर किया जाएगा उसको ग्रहण करने का एक सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र है, और इस छोटी सी चीज पर हमारे वो जो टीचर हैं बेंगलोर वाले उन्होंने पूरे 6 महीने लगाए थे, और मैं हैरान हो रहा था। मैं एक कई थोड़े बहुत आदमी कई बार बेसब्र, वन बिकम्स वेरी इम्पेशेंट कि व्हाई ही इज डिवोटिंग सो मच टाइम ऑन दिस थिंग, अगेन एंड अगेन हैमर कर रहे थे, हैमर एक ही चीज को बार बार हैमर किया जा रहा था, और वो ये थी, एंड दैट वॉज के इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड भगवद गीता एंड और एनी उपनिषद एंड और ब्रह्मसूत्र और एंड एनी अदर ग्रंथ दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट, यू हैव टू टेक ए वेरी स्पेशल स्टैंस। आपको एक परस्पेक्टिव, एक नुकता निगाह बनानी पड़ेगी, उसके बगैर समझ नहीं आएगा। अब सवाल यह पैदा होता है, द क्वेश्चन राइजेस, वट काइंड ऑफ स्टैंड यू वॉन्ट टू टेक। सो माई टीचर गेव मी द एग्जाम्पल दैट इफ यू वॉन्ट टू बी ए फिजिसिस्ट, अगर आपने एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना है, देन यू हैव टू टेक द स्टैंड ऑफ ए फिजिसिस्ट। तो स्टैंड पॉइंट वो लेना पड़ेगा, नुकता ही निगाह वो बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं यही नुकता ही निगाह बना के रखूंगा कि जी सूर्य जो है वो मुझे नजर आता है चढ़ता हुआ ईस्ट में और छुपता हुआ नजर आता है वेस्ट में, तो सूर्य चढ़ता और छुपता है। अब फिजिक्स आपको, एस्ट्रोफिजिक्स आपको ये कहेगी कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ नजर का हेरफेर है, आकाश नीला नहीं है, आकाश का तो कोई रंग ही नहीं है। जैसे पानी जो है समुद्र का वो नीला नहीं होता, आप हाथ में डालकर देख सकते हैं। तो जो चीज अनुभव हो रही है जरूरी नहीं है कि वो सत्य हो। ये सबसे पहला चरण है अध्यात्म का, जब आपको ये समझ आ जाएगा, क्योंकि हम संसार में ये मानते हैं कि जो चीज प्रत्यक्ष है सामने नजर आ रही है वो सत्य है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, एक बार बहस हो गई, देर वॉज एन आर्गूमेंट बिटवीन हनुमान जी एंड विश्वामित्र, ऋषि बाल्मीक जिन्होंने रामायण लिखी थी, उनमें बहस हो गई। बहस क्या थी, हनुमान जी कहते कि वेन आई वेंट टू अशोक वाटिका टू गिव द मैसेज टू मदर सीता, उस वक्त इन द अशोक वाटिका द फ्लावर्स वर ऑफ रेड कलर। तो वाल्मीकि जो आपके वाल्मीकि जी थे उन्होंने कहा कि नो, हमने तो गीता रामायण लिखी है, इट वॉज व्हाइट, वहां पर जो फ्लावर्स थे व्हाइट थे। वो कहते जी आपने लिखी होगी, मैं तो चश्मदीद गवाह हूँ, आई वेंट देयर, आई सॉ इट, मैं वहां रहा हूँ और मैंने बड़े उपद्रव भी किया वहां पर, बड़े फूल फाल इधर उधर किए और खाए भी कुछ फल वहां से। आप कैसे कह सकते हैं? तो कहते आप ऐसे करते हैं, रामचंद्र जी के पास चलते हैं। अब किसी के रेफरी के पास जाकर समाधान करवाना था कि फूल अशोक वाटिका में लाल थे कि सफेद थे। हनुमान जी कह रहे हैं कि मैंने देखा लाल थे, और आपके लिखने वाले जो रामायण के वाल्मीकि रामायण के वो कह रहे हैं कि वो तो सफेद। तो रामचंद्र जी के पास गई तो रामचंद्र जी ने मुस्कुराकर हनुमान जी को कहा कि माई डियर हनुमान, द फ्लावर्स वर ऑफ वाइट कलर, हाउएवर यू वर सो एंग्री, आपकी आंखें लाल थी गुस्से से, और उन आंखें लाल से आपको फूल भी जो थे वो लाल नजर आए। बस यही एक नजरिया चेंज करना है जिंदगी का, फूल सफेद हैं कि लाल हैं, बस इस पर डिपेंड करता है कि आपके मन की वृत्ति क्या है। तो हमारे टीचर ने हमें ये बताया, 6 महीने लगाए इस पर, हर दिन, एवरी डे फॉर 6 मंथ, कि यू हैव टू टेक द करेक्ट स्टैंड पॉइंट इफ यू वॉन्ट टू बी स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स। If you want to be a student of physics and your standpoint is common standpoint, like a common person, तो 10,000 साल physics पढ़ते रहिए, physics समझ नहीं आएगी, कुछ और समझ आएगा आपको, physics नहीं। So, from today onwards, when we are discussing these things, तो आपका जो नजरिया है वो वही होना चाहिए जो ऋषि का है,
या भगवान कृष्ण का है बताते हुए। अब भगवान कृष्ण का नजरिया क्या है भगवद गीता में, वो नजरिया लेते हैं आत्मा का, हम नजरिया लेते हैं शरीर का। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कोई ऐसा वक्त नहीं था जब मैं नहीं था, तो अर्जुन हैरान हो गया कि ये कैसे हो सकता है, ये तो अब मेरे पास है। एक जगह कहते हैं मैंने सूर्य को ये ज्ञान दिया था, अर्जुन उस वक्त हैरान हुआ होगा कि सूर्य तो बहुत पहले था, ये अब है मेरे सामने, तो ये कैसे हो गया। और फिर उनको कहा कि अर्जुन थोड़ा उदास हो गया, उन्होंने कहा कि कोई ऐसा वक्त भी नहीं था जब तुम भी नहीं थे, तो अर्जुन थोड़ा खुश हो गया, कहता अच्छा मैं भी नहीं था, मैं भी था। तो उनको लगा कि अर्जुन ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा ही कोई खुश ना हो जाए, उन्होंने कहा कोई ऐसा वक्त नहीं था कि ये जो लोग हैं जो लड़ाई करने आए हैं ये भी नहीं थे, ये सब थे। तो क्या नजरिए से कह रहे हैं, आत्मा के नजरिए से कह रहे हैं, क्योंकि आत्मा के नजरिए से कोई ऐसा समय था ही नहीं जब मैं नहीं था अर्जुन और तू नहीं था और ये सब लोग जो युद्ध के लिए इकट्ठे हुए नहीं थे। जब तक शर्मा जी आप ये नजरिया नहीं लेते, आप जितनी मर्जी पाठ कर लीजिए भगवद गीता का ये बात, क्योंकि हर जगह पर भगवान वो नजरिया ले रहे हैं। अब वो कहेंगे दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में, ना जायते मृियते वा कदाचिन, ना जे जीता है ना मरता है। तो भाई शरीर तो जीता भी है मरता भी है, विवेक की बात है, तो इसका मतलब शरीर की बात हो ही नहीं रही, नजरिया कौन सा है, आत्मा का। जब आपने एक बार ये छोटी सी मुश्किल हल कर ली, आपने नजरिया ले लिया आत्मा का, सारे संशय मिट जाएंगे, क्षियंते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि पड़ावरे, और उस पर नजर आपकी पड़ जाएगी आत्मा पर। हमारी प्रॉब्लम ये रहती है पढ़ने वालों की गीता या पढ़ाने वालों की, ये बात शर्मा जी हमें किसी ने क्लियर नहीं की, किसी ने, हमने इतने लोगों से इतनी किताबें पढ़ी मगर ये बात हमें कहीं नहीं मिली, ये गुरु के चरणों में मिली। उन्होंने पहले दिन कह दिया कि अगर आपने ग्रंथों को समझना है तो नजरिया लेना पड़ेगा लेखक का, द पर्सन हु रोट इट। और ग्रंथों का नजरिया क्या है कि आप एक आत्मा हैं, इस शरीर को आपने मैं मेरी मान लिया, इसके साथ तादात्म्य कर लिया है, ये अध्यारोप कर लिया है, इसको वेदांत की भाषा में अध्यारोप रोप अपवाद प्रक्रिया कहते हैं, कि ये आरोपित है, जो शरीर है उसको आत्मा पर अनोन्य अध्यास है जी। ब्रह्मसूत्र भाषा के इंट्रोडक्शन में जिसे यू नो बहुत ही प्यारी एक इंट्रोडक्शन लिखी शंकराचार्य जी ने, अध्यास भाषा कहते हैं इसे, तो ये अनोन्य अध्यास है ये, कि हम आत्मा को शरीर मानते हैं। मैं शब्द क्या है, जब कोई मैं कहता है उस मैं का सही मतलब, द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड आई इज आत्मा, मगर कह देते हैं शरीर को, तो यही बस बेसिक भूल है, देहम ना हम, जीवो हम ना हम, को हम, फिर हम क्या हैं, सो हम तो वो हैं, बस इतनी की बात है, देहम ना हम, को हम, सो हम। तो ये देहम से सोहम बनना है, हमने सारा काम समझने का देह को लेकर किया है। भगवान कह रहे हैं अविनाशी तत्व को जानो, अविनाशी तू तत्विदि येन सर्वमिदं तत्वम्, ये कहा है बार बार, दूसरे अध्याय में कहा है, और फिर कहा विनश्यस्त्व अविनश्यंतम या पश्यति सा पश्यति, 13 chapter 27 श्लोक का आधे श्लोक में बात पूरी कर दी, कि जो अविनाशी में सॉरी जो नाशी में अविनाशी को देख लेता है, द वन हु इज एबल टू सी द अविनाशी द इंडेस्ट्रक्टिबल विद इन द डिस्ट्रक्टिबल। डिस्ट्रक्टिबल क्या है, हर चीज जो नजर आ रही है वो मृत्यु की तरफ जा रही है, मगर उसमें एक ऐसी चीज है पना, वृक्ष चला जाएगा, वृक्ष का है पना, ट्री विल बी गॉन, उसका है पना नहीं जाएगा, वृक्ष का है पना नहीं जाएगा, तो है पना कभी खत्म नहीं होता। तो ये कबीर साहब कह रहे हैं होए ना मरना रोए ना कोई, वो जो है ना वो प्रॉब्लम हूं की है, हमने है के ऊपर की बिंदी लगा दी है, हूं, वो हूं जो है अहंकार की वो दूर कर दो, है रह जाएगा, और है को कभी कोई खत्म ही नहीं करता। ये कप जो है ना, इसका जो स्पेस है वो है, वो कप ने कहा था कि मैं हूं, वो बिंदी लगा दी है के ऊपर कप की, तो कप तो कभी बना है कभी टूट भी जाएगा कालांतर में, कप अमर नहीं हो सकता कभी भी
अगर आपको किसी ने ये कह दिया हो ना कि आप अमर हो जाएंगे, नहीं हो सकते। कप के तरफ मिट्टी होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कप को कि मैं मिट्टी हूं, और मिट्टी का अंत होता नहीं, कप का अंत हो जाएगा, मिट्टी का क्ले का अंत नहीं होगा। तो ये एक इतनी छोटी सी बात समझने वाली है, मगर ये अभी भी समझ आ सकती है आपको, और इसको 10,000 साल भी लग सकते हैं, ये आप पर है। नेचर इज नॉट इन ए हरी, भगवान जल्दी में नहीं है। वो कहते हैं कोई बात नहीं है, एक बार और, दो बार और, 10 बार और, चले चलो, दौड़ सके तो दौड़ ले, जब तक तेरी दौड़। जब तक दौड़ना है दौड़ो, मगर ये बात अभी शेख मिलावा आज मन चिंदड़ियां आज ही क्लियर हो सकती है, अगर हम वो स्टैंस जो है, इफ वी आर एबल टू टेक द स्टैंड पॉइंट विद इन द सेल्फ, तो फिर उस सेल्फ के बारे में यही भगवद गीता कह रही है, आत्मन्येव आत्मना तुष्टा, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है। स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, वो स्थित प्रज्ञ, आत्मन्येव आत्मना तुष्टा, आत्मा से आत्मा में, दूसरी चीज कोई नहीं है। ये नहीं है कि आप दृष्टा हैं और देख रहे हैं आत्मा को, वो तो डुअलिटी होगी। आत्मा ही आत्मा को देखती है, जैसे आपको स्वप्न आता है तो उसमें कौन सा एक्सपीरियंस है आपका, बाहर का तो है ही नहीं है उस वक्त, तो बाहर का जगत तो शांत था, वही डेफिनेशन है स्वप्न की, कि जो इस इंद्रियों से देखने वाला जगत शांत हो जाता है तो आपको स्वप्न आता। तो हु वाज, देखिए कितनी प्यारी बात हो रही है, जागृत में तो आपको लगता है कि आप जागे हुए हैं, मगर संत कुछ और कहते हैं, हमें तो लगता है कि हम जागे हुए हैं। संत कहते हैं कि उठो और जागो, उत्कृष्ट जागृत प्राप्य वो, किसी विद्वान के, विद्वान लोगों के पास जाकर उनके कदमों में पढ़कर कुछ सीखो, वो कठोपनिषद का ये बड़ा प्यारा मंत्र है। तो ये वहां जाना है, तो जागना जो है वो सारा काम उस जागने का है। तो बात जो हो रही थी वो ये है कि when you are awake, you think you are awake, when you are sleep, you can dream or you can be in deep sleep, उसका पता किसको लग रहा है? जागृत में कौन जाग रहा है, स्वप्न में कौन जाग रहा है, और जब गाढ़ नींद में, डीप स्लीप में, हु इज अवेक, जिसने सुबह उठ के कहा कि मैं बड़े प्यार से सोया, आनंद आ गया, मुझे कुछ भी याद नहीं, तो वो कौन था? तो एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं सोती, जागृत अवस्था की भी दृष्टा वो चीज है, स्वप्न की दृष्टा भी वो चीज है, और सुषुप्ति की दृष्टा भी वो चीज है, वो जो बैकग्राउंड है उसकी, वो पर्दा है जो सफेद, जिस पर फिल्म चल रही है, लाइट एंड साउंड शो, शो खत्म हो जाता है, पर्दा फिर वही रहता है। उस जो बैकग्राउंड सबस्ट्रेटम ब्रह्म है, वो जो अधिष्ठान है, जो सर्वाधिष्ठान है, जो स्वयं ज्योति है, जिसके लिए दूसरी लाइट नहीं लगती। एक बार एग्जाम्पल दी थी, आज का पॉइंट ये है कि मान लीजिए आप यू आर इन ए रूम, डार्क रूम, एंड somebody asks you, do you have my Apple watch or Apple phone in that room? But it's very dark. And then you reply, let me turn the light on. तो question था कि क्या मेरा phone है उस room, उस कमरे में? आपने कहा कि ठहरो, मैं light on करता हूँ या करती हूँ? तो फिर देखता हूँ कि phone है कि नहीं। मगर मान लीजिए उन्होंने कहा होता आपको, दरवाजा खटखटाया, पूछा कि क्या आप हैं उस कमरे में, माता ने पूछा बच्चे को कि भाई क्या तुम हो इस कमरे में, तो बच्चा ये नहीं कहेगा कि मम्मी मुझे लाइट ऑन कर लें तो फिर बताता हूं कि मैं हूं कि नहीं। आपको अपने को जानने के लिए दूसरी लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, आप स्वयं ज्योति हैं, आप स्वयं भू हैं। तो वो ज्योति जो ज्योति श्याम ज्योति है, ज्योतियों की ज्योति है, जिसके भासने से सब कुछ भासता है, जिसके जागने से जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंच यत प्रकाशते, ऐसा कहा है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंच यत प्रकाशते तद ब्रह्म अहम ज्ञात्वा सर्वबंधनात् विमुच्यते। उसको जिससे जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं प्रकाशित होती हैं,
जिसमें सारी अवस्थाएं आती हैं, ऐसे ऊपर आती हैं, सबसाइड हो जाती हैं, उठती और बैठती हैं, उठती और लीन हो जाती हैं, जिसमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंच, ऋषि ने प्रपंच कह दिया इसको, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों को प्रपंच कर दिया। तो ये चौथी जो अवस्था है, जो कि अवस्था नहीं है, वो तो आपका स्वरूप है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंच यत प्रकाशते तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है जिससे ये प्रकाशित होता है, वो जो प्योर अवेयरनेस है जिसको आप कभी निगेट नहीं कर सकते, जो आप अभी हैं इसी वक्त, राइट हियर राइट नाउ, जिससे आपकी सारी जागृत अवस्था प्रकाशित हो रही है, जिससे जब आप सोएंगे सारी स्वप्न में लाइट तो ऑफ होती है मगर फिर भी यू आर एबल टू सी, किसकी लाइट से आप देखते हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति आती प्रपंच यत यत प्रकाश तद ब्रह्म अहम ज्ञातवा, उस ब्रह्म को मैं जानना कि मैं वो हूं, सर्व बंधना पे मुचते, सब बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, हो जाता है जानने वाला। तो ये सारा काम जो है ना, बस इतना की है, जितना आप इन तीनों अवस्थाओं के, ये ट्रंप कार्ड है वेदांता का, इट इज अ ट्रंप कार्ड ऑफ वेदांता, इन तीनों अवस्थाओं को, तो आपके लिए अगली क्लास, अगले सेमिनार के लिए, वेबिनार के लिए ये है वो कहते हैं समथिंग टू होमवर्क, कि आप जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था को कंपेयर कीजिए, पहले सुषुप्ति को छोड़ दीजिए, वो अगली बार से अगली बार लेंगे, जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था देखिए जागृत में कौन है, शर्मा साहब जागृत में है, और जागृत में शर्मा साहब का एक पूरा जगत है, इनका अपना परिवार है, इनके अपने दोस्त हैं, इनकी वेबिनार का पूरी एक टीम है और इनके साथ हजारों लोग जुड़े हुए हैं, ये जागृत अवस्था। फिर देखिए शर्मा जी स्वप्न अवस्था में जाते हैं, उस वक्त एक और संसार रच लेते हैं, ये वाला शरीर वहां नहीं जाता और वो वाला यहां नहीं आता, अब स्वप्न में इनको लॉटरी निकल गई इनकी, अब ये अगले दिन बैंक में नहीं जाएंगे, पंजाब नेशनल बैंक में, हमारे हमारे पैसे दो, हमें लॉटरी निकली थी, मगर मगर यहां जो सिंसियर सीरियस रहने वाली बात हुई वो ये है कि शर्मा साहब को इस बात का कभी डाउट नहीं होगा कि मुझे स्वप्न आया था कि नहीं आया था, आया था, वो सत्य है कि नहीं है ये पता नहीं है, ये पता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि स्वप्न आया था वो किसको एक्सपीरियंस हुआ, वो एक्सपीरियंस करने वाला कौन था, और जब मैं पूरी प्रगाढ़ नींद में सो जाता, व्हेन आई गो इनटू द डीप स्लीप, How am I able to experience the आनंद, कौन एक्सपीरियंस, और वो आनंद ऐसा है जो बाहर से नहीं आ रहा, क्योंकि ना जागृत वाला जगत है ना स्वप्न वाला जगत है डीप स्लीप में, मगर आनंद है, दैट मीन्स के आनंद मेरा स्वरूप है, जिसको जागृत का संसार और स्वप्न का जो मनोमय संसार है उसकी जरूरत ही नहीं। जब आप विवेक लगाएंगे, बार 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 सोचेंगे, तो धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं जागृत अवस्था वाला मिस्टर शर्मा नहीं हूं, ना ही मैं ये मिस्टर शर्मा जो जागृत वाले हैं वो स्वप्न में जाते हैं, वो वाले इधर नहीं आते, उनमें एक एक दीवार है, वो वाटरशेड है, इधर से इधर कुछ नहीं आता, मगर शर्मा जी दोनों में है। खूबसूरत बात यह है कि जो इनका स्वरूप है, जो इनके सही स्वरूप है, वो दोनों में है, तभी तो इनको लगता है मुझे स्वप्न आया था। ये कभी नहीं आप किसी को कन्विंस कर सकते कि आपको स्वप्न नहीं आया था, क्योंकि वो आया था, मगर वो सत्य है नहीं है वो एक अलग बात, वो एक डिफरेंट डिस्कशन का टॉपिक है। तो किसको वो स्वप्न आया था, ये वाले स्वप्न शर्मा जी तो नहीं थे वहां पर, और जो स्वप्न वाले शर्मा जी हैं, जो भी होते होंगे उस वक्त, वो जागृत में नहीं आते, मगर मैं दोनों में रहता हूं। इसका मतलब ये है कि मैं जागृत और स्वप्न दोनों को देखने वाला हूं, दोनों से पार हूं। तो आज इतना ही, जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंच यत प्रकाशते तद ब्रह्म अहम् ज्ञात्वा सर्व बंधनात् विमुच्यते। 10 मिनट हैं अभी, कुछ प्रश्न वगैरह हैं तो देख लेंगे, कोशिश किया करेंगे कि 1.5 घंटे में बात पूरी, 1 घंटा बात पूरी हो जाए, और उसमें कुछ प्रश्न वगैरह हैं। इंट्रोडक्शन मैंने तो आज कहा था कि इंट्रोडक्शन स्किप करो, उसकी कोई जरूरत नहीं। वो 2 पेजेस दिखाना चाहेंगे आप जो यहाँ पर हैं जी अभी? हाँ जी, दिखा सकते हैं, इसमें रिसोर्सेज हैं बड़े, ये बड़े ध्यान से ये चीजें कंपाइल की गई हैं।
हरि अनंत हरि कथा अनंत थोड़ा एक्सप्लेन अगर आप करना चाहें। हाँ मैं जरूर करूंगा, जरूर करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग, थैंक यू फॉर। आप बड़े प्यारे हैं। नहीं आप नहीं तो आप भूलते ही नहीं है, हम तो भूल जाते हैं, हम तो खो जाते हैं, भूल जाते हैं। ये सनातन धर्म है, ये मजहब नहीं है। मजहब स्टार्ट किया जाता है 1000 साल पहले, 1500 साल पहले, 2000 साल पहले शुरू होता है, मगर ये तो सनातन है। सनातन उसको पुरातन कहा गया गीता में। तो आवर सनातन धर्म इज बेस्ड ऑन वेदास, चार वेद एंड एपिक्स, दो रामायण और महाभारत, जिनमें वेदों का ज्ञान कहानियों के जरिए से और एक काव्य के जरिए से संतों ने, महापुरुषों ने समझाया है, और पुराण, 18 पुराण, उनमें से कभी कभी श्रीमद् जो भागवतम है उस पर कुछ, कभी कुछ कुछ चीजें जो हमने स्वामी अखंडानंद सरस्वती महाराज से सुनी हुई थी। शर्मा जी ने आज मुझे एक छोटी सी चीज भेजी थी, उसमें जिस परम व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है वो स्वामी अखंडानंद महाराज थे। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी वृंदावन में थे, उनके गुरु उड़िया बाबा थे। अखंडानंद जी जैसा विद्वान वेदों का मेरी नजर में 20वीं सदी में और कोई नहीं हुआ। बड़े विद्वान हुए हैं, मगर इनका अधिकार था वेदों पर, और ये काफी देर गीता प्रेस के में भी काम करते रहे, और इन्होंने श्रीमद् भागवत की संस्कृत में से इंग्लिश में से हिंदी में ट्रांसलेशन की है, बहुत प्यारी, अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो भागवतम में परीक्षित को बताया गया कि 7 दिन बाद तुम्हें तक्षक नाग काटेगा आके, और उसने शुकदेव जी के चरण पकड़ लिए। उसको नहीं पकड़ा जिसने श्राप दिया था, उसको कह के उसको दंड दो, उससे क्या फर्क पड़ना है, मरना तो है ही है। तो उन्होंने फिर 7 दिन में उनको भागवतम सुनाया, और मरे तो फिर भी वो, मगर मुक्त होकर मरे। तो ये है वहां की। और उन्होंने, शुकदेव जी उनको कहते हैं, हे राजा परीक्षित, तुम ये पशु बुद्धि छोड़ दो कि तुम शरीर हो और तुम मरोगे। ये पशु बुद्धि है, क्योंकि पशुओं को होता है ये पता कि वो मरेंगे, मगर तुम तो आत्मा हो। और वो, उन्होंने उसको, उनको 7 दिन में भागवतम सुनाकर आत्मा में स्थित कर दिया। तक्षक नाग आया, मगर वो पहली आत्मा में स्थित थे, शरीर का नाश हुआ मगर आत्मा का तो नाश हो ही नहीं सकता। तो कभी कभी श्रीमद् भागवतम, जो हमने स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी के मुखारविंद से सुना है, उनके उनके प्रवचन सुने हैं, तो उनमें से मैं कुछ शेयर करूंगा जितनी मेरी समझ है। समझ बहुत छोटी है, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। तो ये प्रस्थान त्रयी है, प्रस्थान त्रयी मीनिंग थ्री कैनोनिकल टेक्स्ट। उसमें उपनिषद आते हैं, हम 11 लेंगे, धीरे धीरे लेंगे, धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ होए। ब्रह्म सूत्र 555 डिफरेंट सूत्र हैं, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा छोटा सा सूत्र है, उस पर शंकराचार्य कमेंट्री है। तो हमारे टीचर्स ने क्या किया, इन सारी चीजों में से वो चीजें निकाल ली जो आत्म तत्व के बारे में, और वो ही सिर्फ पढ़ाई हमें। वो कहते हैं सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इस सदी में, 21st सेंचुरी में, यू डोंट हैव टू स्टडी एवरीथिंग, ओनली आउट ऑफ उपनिषद, आउट ऑफ ब्रह्म सूत्रास एंड आउट ऑफ एवरीथिंग एल्स, भगवद गीता आल्सो, ओनली टेक दोज मंत्रास एंड श्लोकास विच प्रटेन टू द सेल्फ, टू द आत्मा। क्योंकि हमारा मकसद क्या है, आत्मवित, मंत्रवित नहीं होना, क्योंकि मंत्रवित होंगे तो नारद की तरह शोक नहीं जाएगा। वो कहते हैं मैं मंत्रवित अहमी ना ही आत्मवित, तो मैं शोक, मुझे शोक हो रहा है, मुझे तारो इससे, क्योंकि मैंने सुना हुआ है तरती शोकम आत्मवित, आत्मवित शोक से तर जाता है, तो मुझे आत्मा का ज्ञान दो। तो ये हमारे उपनिषद हैं और अलग अलग वेदों में से आए हैं। मैंने कोशिश की है ये इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने की, और कभी कभी गुरुबानी जो है जो उनको भी आसान कर देती है, और तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई जी, संत कबीर की रचनाओं की भी हम जो इन पर रोशनी डालेंगी, उनको हम साथ लेकर चलेंगे, एक समन्वय पेश करेंगे आपके आपको, क्योंकि इसका तो अंत ही नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंत, सम राइटिंग्स ऑफ 20th सेंचुरी, और आप देखिए 20वीं सदी में बड़े बड़े धुरंधर विद्वान हुए हैं, मगर जिनको हमने चुना है, किसी कारण चुना है, ऐसे ही नहीं चुन दिया, ऐसे ही नाम नहीं ले दिए इनके, मेरी नजर में
ये भगवत प्राप्त महापुरुष थे और इनका कोई और मकसद नहीं था सिवाय इसके कि हमें भगवान मिल जाए, इसलिए इन्होंने बोला और लिखा है, हमने इसलिए इनका नाम यहाँ लिखा है। रमन महर्षि जैसा ब्रह्म ज्ञानी भगवान ही द्वारा पैदा कर दे तो हो सकता है, मगर ना भूतो ना भविष्यति, पैदा ना शुद्ध इनके बारे में कहा है, इन लोगों के बारे में दोबारा पैदा नहीं होते ये। तो रमन महर्षि की एक किताब है, उनके बारे में मैंने लिंक दिया है एंड में। ऐसे ही शर्मा जी, एक अगर दो मिनट आप और दें मुझे। जी, तो, मैं वापस, मेरे को लगा कि आप बोलना चाह रहे हैं सामने। नहीं नहीं, मैं वो देखकर, तो एक ये हो गया, और फिर संत श्रोमणि शरणानंद जी, शरणानंद जी की 5-7 किताबें हमें ट्रांसलेशन करने को मिली, तो उसके भी लिंक्स मैंने दिए हैं। अगर आप, अखंडानंद सरस्वती महाराज ने एक जगह बोला है कि अगर आपने मिलावट वाला वेदांत, वो तो उनका प्यार था, ऐसा कह दिया उन्होंने, ये संत दूसरों को प्यार करते हैं, उन्होंने कहा कि अगर आपने मिलावट वाला वेदांत सुनना है तो हमसे सुनो, मगर शुद्ध वेदांत सुनना है तो शरणानंद जी के पास जाओ, मगर दोनों ही शुद्ध वेदांत सुनाते थे, ये उन्होंने प्यार से कहा था, गलत मतलब निकालिए इसका। तो शरणानंद जी महाराज प्रज्ञा चक्षु थे, तो हमारी नजर में ऐसे संत 20वीं सदी में आपको नहीं मिलेंगे। और स्वामी रामसुख दास जी की बात ही क्या है, उनकी किताब साधक संजीवनी शर्मा जी के घर में विराजमान है। स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती की मैंने अभी आपको बात की, और जो भी मैंने अपने टीचर्स के साथ थोड़ा बहुत उनसे लिया है, 1% भी जो मिला है वो कोशिश होगी, क्योंकि इतना कुछ इन्होंने बोला है तो दिल नहीं करता कि मुंह भी खोला जाए। इनका तो नाम लेने से कानों को हाथ लगाकर नाम लेना चाहिए, इन लोगों का वैसे नाम ही नहीं लेना चाहिए, इतने बड़े लोग हैं ये, बोलना तो क्या, मुंह खोलना नहीं चाहिए इनके सामने, तो वो है। और हमारा मकसद जो है, एकमेवम अद्वितीयम जो है, वन विदाउट ए सेकंड, अद्वैत जो है, जिसके बारे में मांडुक्य उपनिषद में आया है, अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते इति सा आत्मा सा विज्ञेय, उसको जानो, वो जो न अंतः प्रज्ञ न बहिष् प्रज्ञ न उभयोत् प्रज्ञ न प्रज्ञान घना न प्रज्ञम न अप्रज्ञम, एक आत्मा प्रत्यासारम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते इति सा आत्मा सा विज्ञेय, उसे जानो, उसके बारे में ये सारे वेबिनार्स होंगे। और ये इसके बारे में कहा भी था कि ये सारी चीजें जो हैं वो भगवान कृष्ण को, उनको समर्पण की जा रही हैं। तब दीयम वस्तु गोविंद तुम्हें समर्पते। अब अगले पृष्ठ में कुछ लिंक्स हैं, वो भी बड़े ध्यान से कंपाइल किए गए हैं, उसमें भगवद गीता की ट्रांसलेशन है, उसके लिंक्स हैं, और संतों की कुछ वाणी है, फ्री आप डाउनलोड कर लेंगे, जो कुछ ट्रांसलेशंस भी हुई हैं इस हमारे द्वारा थोड़ी सी, उसके सारे लिंक्स आपको, और अच्छी ट्रांसलेशंस के लिंक दिए हैं, ऐसे ही नहीं बस यहाँ भर दिए। और इसमें कुछ एक और साइट है, विजडम लाइब्रेरी, उसमें सारे उपनिषद आपको इंग्लिश में और संस्कृत में मिल जाएंगे, तो आप स्वामी शरणानंद जी की, साधक संजीवनी, सब कुछ है इसमें। जो एक साधक को सामग्री चाहिए साधक बनने के लिए, वो सारी इस पृष्ठ पर हमने कोशिश करी है कि 30-40 साल में जो थोड़ा बहुत मिला है वो आपके साथ इस लिंक्स के जरिए शेयर किया जाए। तो यही है शर्मा जी, अगर कोई एकाध प्रश्न है किसी की इच्छा, तो नहीं तो फिर देख लेता हूँ। गुरशरण कौर मैम, अ वेरी गुड मॉर्निंग सर, आई डोंट नो हाउ शुड आई एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स you, but I would like to say just one thing, that when it comes to describing you as a person, my heart becomes speechless, as words can't sum up what an amazing person are you have been till now. I have heard about the word guru, they can never be less from you. Today you have declared my question which I thought to ask. ठीक है जी, तो आपने वो साक्षात जवाब दे दिया है। उसके बाद जी प्रोफेसर एम एम गोयल साहब, आपके प्यारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब, अनु गीता वाले, ऑल्दो आई ट्रीट गीता एज माय गुरु द हार्ट ऑफ कृष्ण, येट आई नीड योर पैट्रोनेज प्रोफेसर धीमान एज रिसर्चर, काइंडली एक्सेप्ट मी एज योर स्टूडेंट रिसर्चर। योर ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब हैड बीन सो काइंड एंड ही इज कमिंग रेगुलरली, ही इज कमिंग रेगुलरली। ये तो इनका प्यार है जी, इनका प्यार बोल रहा है।
और है ही बहुत अच्छे इंसान, जब भी फोन पे कभी बात करते हैं बहुत अच्छे हैं। ज्ञान का आधार है क्यूरियोसिटी, फिर है जी हैप्पी ग्रीन मॉर्निंग, फिर है गुड मॉर्निंग। और मुझे सुबह जो व्हाट्सएप आया था वो ऑनरेबल वाइस चांसलर एमिटी यूनिवर्सिटी के हैं, जिन्होंने अपना मेरे को व्हाट्सएप भेजा था आज सुबह, और उन्होंने निवेदन किया था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, तो वो उनकी तरफ से था। तो मैंने कहा जी मैं आपकी बात उन तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। Although there are 18 principal Upanishad, but 10 we will do in the beginning. The idea should be to integrate spirituality in education, to create compassionate and caring humanity in the world. ये Honorable Vice Chancellor साहब ने आपके लिए लिखा, तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और हर प्रोग्राम में ये फेसबुक पे होते हैं और काफ़ी कुछ इंटीग्रेट लेते हैं और काफ़ी और बहुत अच्छे इंटरेस्ट लेने वाले इंडियन वेदों में इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मेरे हिसाब से चीज़ें उस डायरेक्शन में बहुत अच्छे से चल रही हैं, और आज आपने जो ये उपनिषदों की शुरुआत की है सो बहुत सारे प्रश्न क्लैरिफाई हुए हैं, और आगे आगे जैसे जैसे आप वो कह रहे हैं, एक सबसे बड़ा प्रश्न जो आपने कहा कि माँ आए और दरवाजा खोले, तो बेटा ये तो नहीं कहेगा कि मैं लाइट जगा के बोलता हूँ, कितनी बड़ी बात अगर वो बात समझ आ जाए तो बहुत अच्छा है सर। सो विद्या से अध्यात्म की ओर आपके साथ हम ये हम्बल जर्नी शुरू करते हैं, और प्रयास रहेगा कि आपकी वाणी हर रविवार सुबह हम सबको मिलती रहे, और हम मधुमक्खी वाला काम करें, ना हमने कीड़ी वाला काम करना है, ना हमने मकड़ी जाले वाला काम करना है, वो तो शर्मा जी ऐसे है कि मैं फूल चुनने आया था, मैं फूल चुनने आया था बागे हयात में। अच्छा जी, मैं फूल चुनने आया था बागे हयात में, मैं फूल चुनने आया था बागे हयात में, दामन को खारजार से उलझा के रह गया, मगर मेरा सारा दामन कांटों से उलझ के रह गया है, तो उससे हमने निजात पानी है, उसके लिए ये सारा काम है। तो पूरा प्रभ राध्या, पूरा जाका नाव, नानक पूरा पाया, पूरे के गुंगाव, पूर्ण मदा पूर्ण मिदम, पूर्णात पूर्ण मदच्यते, पूर्णस्य पूर्ण मादाय, पूर्ण मेवा विशेषते, ओम शांति 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 ही, हरिओम श्री गुरुवे नमः, हरिओम।